साईं बाबा के इन 11 वचनों में छिपा है सुखी जीवन का राज, हर परेशानी होगी दूर। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। गुरुवार साईं बाबा को समर्पित है। मान्यता है कि इनकी भक्ति करने वालों पर कभी कोई आंच नहीं आती। कहते हैं साईं नाथ भाव के भूखे हैं, सच्चे मन से इनकी आराधना करने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। शिरडी को साईं बाबा की नगरी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी इस पवित्र धाम में जाता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। साईं की आराधना के लिए कोई विशेष पूजा नहीं है। साईं के 11 वचन आपके जीवन में उजाला कर सकते हैं। इन्हें जो अपना लेता है उसका कल्याण तय है। आइए जानते हैं साईं बाबा के 11 अनमोल वचन कौन से हैं। पहला वचन, शिरडी साईं बाबा का धाम है। माना जाता है कि यहाँ आने पर हर व्यक्ति के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वचन, शिरडी के साईं बाबा के धाम में इतनी शक्ति है कि यहाँ मंदिर सीढ़ी पर पैर रखते ही तमाम मुश्किलों का हल निकल जाता है। तीसरा वचन, मान्यता है कि साईं अपने भक्तों पर कभी मुसीबत नहीं आने देते। साईं कहते हैं मुश्किल घड़ी में वो शरीर से भले ही साथ ना हो लेकिन भक्त की एक पुकार पर मैं दौड़कर चला आऊंगा। चौथा वचन, साईं बाबा कहते हैं कि सच्चे मन से समाधि पर की गई हर प्रार्थना पूरी होगी, धैर्य और विश्वास रखना होगा। पांचवा वचन, साईं नाथ अजर अमर है। भक्ति और प्रेम जो साईं का ध्यान करता है बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। छठा वचन, साईं बाबा हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं, इनके दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। सातवां वचन, साईं बाबा भक्तों से कहते हैं कि वो जिस रूप में हैं, जिस भाव में उन्हें देखेंगे वो वैसे ही उसकी कामना पूरी करेंगे। आठवां वचन, जो इंसान पूरी तरह समर्पित होकर भक्ति करेगा उसका हर भार मेरे जिम्मे होगा, मैं उसकी हर समस्या का हल करूंगा। नौवां वचन, साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा भाव से जो सहायता मांगेगा उसकी मुराद जरूर पूरी होगी। दसवां वचन, जो भक्त अपने वचन तन मन से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी श्रणी रहता हूँ, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। ग्यारहवां और आखिरी वचन, साईं कहते हैं मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला हर भक्त धन्य है। आप सभी इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।